जेडीयू नेता देवेंद्र यादव भारतीय मीडिया से मुखातिब होते हुए जरुआ वैशाली जिला अंतर्गत स्थित अपने आवास पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता साहब पूर्व सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव भारतीय ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को दंगा फैलाने वाली पार्टी कहा। जब मीडिया ने राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बात की तो देवेंद्र भारती ने कहा कि कुशवाहा जी रंगा सियार हैं, अब किधर जाएंगे और क्या बोलेंगे, खुद कुशवाहा जी को भी पता नहीं होता तो हम लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे। हाजीपुर से बिहार ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह की के साथ देवेंद्र यादव भारती की खास बातचीत, देखिए हमारे साथ सिटी24 न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए बड़ी खबरें। और आप देख रहे हैं सिटी24 न्यूज़। अभी मैं, यह वैशाली जिला है, इस वैशाली जिला के नवादा चौक स्थित जो जदयू के प्रदेश स्तरीय नेता हैं देवेंद्र यादव भारती जी, उनके आवास पर हूँ। और मैं बता दूं कि यह जो देवेंद्र यादव भारती जो हैं वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास के यह सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। देखिए इनका घर का देखिए नेम प्लेट भी है, कैमरा देखिए करवाइएगा, देखिए नेम प्लेट भी है। तो यह जो है देवेंद्र यादव भारती जी जो कि जदयू के यह वरीय नेता है, प्रदेश स्तरीय नेता है, और मैं इनके आवास पर हूँ। देखिए किस तरह से ये इनके आवास के चारों तरफ हरा भरा, दिखाइएगा किस तरह से खेती हो रहे हैं यहाँ पर, सब्जी की खेती है, देखिए ये आम की बागवानी वगैरह भी है। तो यह देवेंद्र यादव भारती जो हैं वह एक वह जो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्रेमी है, प्रकृति का बहुत ज़्यादा प्रेमी है। तो आइए मैं आपको जो सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव भारती हैं और जदयू के वरीय नेता, प्रदेश स्तरीय नेता हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। सर, सबसे पहले ये जो हमारा चैनल है सिटी24 न्यूज़, इसमें चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। आप चैनल को भी स्वागत करते हैं जी जी, और धन्यवाद देते हैं जी जी, उन्होंने पटना से चल के और मेरे आवास तक आए हैं, और इसके लिए भी आपको धन्यवाद जी जी। सर ये बताइए कि मैं आपके घर पर आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, चारों तरफ ये हरियाली, मतलब क्या बोलूँ, ऐसा लगता है कि मैं बिहार से बाहर आया हूँ, उस तरह के यहाँ पर इन्वायरमेंट है आपके घर के आसपास का, तो इस तरह की इन्वायरमेंट देने के लिए आपने क्या किया सर? हमारे पूर्वज लोग का देन है जी जी, हम लोग सिर्फ उसका बरकरार